फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपकी इंग्लिश क्लास। ये आपकी इंग्लिश बुक है, इंग्लिश रीडर। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, वी शैल ओवरकम। पेज नंबर 5 है। वी शैल ओवरकम का मतलब होता है हम जीत जाएंगे। समरी ऑफ द पोएम, यहाँ पे पोएम की समरी दी गई है, मतलब कि पोएम में क्या कहा गया है, पोएट क्या कहना चाहता है वो बताया गया है। सो दिस पोएम इज रिटन बाय चार्ल्स एल्बर्ट टिडली। इस पोएम के राइटर चार्ल्स एल्बर्ट टिडली हैं। इन दिस पोएम द पोएट सेज, इस पोएम में पोएट कहते हैं दैट वी विल बी सक्सेस, हमें सफलता मिल जाएगी वन डे, एक दिन, फ्रॉम द स्लेवरी, गुलामी से हमें एक दिन आज़ादी मिल जाएगी। एंड इट इज इन स्पाइन टू इंडियाज टू फेस इंडियंस टू फेस अ टफ सिचुएशन विथ करेज। और भारत के लोगों को समझाया है कि आप लोग टफ सिचुएशंस में यानी कठिन परिस्थितियों में करेज यानी साहस के साथ लड़ाई लड़ो, साहस से उस परेशानी का सामना करो। एंड द पोएम इंस्पायर्स अवर फ्रीडम फाइटर्स हु वर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। और साथ में ही ये पोएम प्रेरणा देती है अवर फ्रीडम फाइटर्स की, जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, हु वर फाइटिंग, जो लड़ रहे थे फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने के लिए, आज़ादी पाने के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी लड़ाई लड़ रहे थे उन्हें प्रेरित करती है। द पोएट सेज वी आर नॉट एफ्रेड, जो कवि हैं वो कहते हैं कि वी आर नॉट एफ्रेड, कि हम डर नहीं रहे हैं, बिकॉज ही बिलीव्स डीप इन हिज हार्ट, क्योंकि उसके दिल में गहरा विश्वास है। सो इफ वी विल बी यूनाइटेड, अगर हम एकजुट होंगे, एंड वी विल नॉट क्वैरल ईच अदर, और हम एक दूसरे से क्वैरल मीन झगड़ा नहीं करेंगे, देन वी विल बी सक्सेस टू बिकम फ्री इंडिया, तो हमें भारत को आज़ाद कराने में मुश्किल नहीं होगी, हम आसानी से उसे आज़ाद करा लेंगे। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री केम डे, एक दिन देखना हमारी ये बातें सच होंगी कि हम आज़ाद हो जाएंगे, हम सच्चाई की राह पर चलेंगे। द ट्रूथ शैल मेक अस फ्री, जो सच का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है, वो हमें आज़ादी दिलाएगा एक दिन। वी विल लिव कामली, हमें शांतिपूर्ण रहना होगा। वी फेल पीस एंड सेटिस्फेक्शन वेन वी सिंग दिस सॉन्ग, जब हम इस सॉन्ग को पढ़ते हैं तो हमें शांति और संतुष्टि की फीलिंग आती है। वी शैल लिव एज फ्रेंड, हमें दोस्तों की तरह रहना होगा। एंड वी विल नॉट फाइट ईच अदर, और हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना है, हमें उन दुश्मनों से लड़ना है, हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी है। ये यहाँ पर पोएम से रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट वर्ड दिए हुए हैं। पहला है ओवरकम, ओवरकम सक्सीड इन डीलिंग विद अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, किसी परेशानी से बाहर निकलना, ओवरकम। Afraid, frightened, डर। Hand in hand, holding each other hand, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। Believe का मतलब होता है to think that something true or correct, विश्वास होना, believe होता है विश्वास होना, या फिर ये सोच रखना कि कुछ गलत है या सही है। Peace, calm, शांति। Truth, genuine, यानी कि सच्चाई। डीप, गहराई, गोइंग फॉर डाउन फ्रॉम टॉप, ऊंचाई से गहराई के अंदर चले जाना, डीप गहराई, नीचे चले जाना, ठीक है। रिसाइट द गिवन लाइन्स टुगेदर विथ योर टीचर, अपने टीचर के साथ इन लाइन्स को पहले गाओ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, ठीक है। आपको भी क्या करना है, ये जो लाइन्स हैं इनको गाना है, ठीक है। एक बार फिर से मेरे साथ आप इनको दोहराएंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन,